हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब कर दो यार, पहले शेयर करो, लाइक करो, वीडियो बहुत अच्छी बनती है, बहुत मेहनत से बनती है। तो आज का मेरा बनाने का मोटिव ये है, कल रात मैं जा रहा था हॉस्पिटल, मेरी खाला बीमार है, तो प्रे फॉर हर, वो बीमार है तो उनके लिए थोड़ी दुआएं कर दीजिए। और कल मैं जब जा रहा था हॉस्पिटल तो मेरा टायर पंचर हो गया, और ऐसी जगह से पंचर हुआ है ना कि सोच भी नहीं सकते। मैंने तो सोचा नहीं था, मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये। अगर आपका भी ऐसी जगह से पंचर हुआ है तो मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। मैं पंचर वाले के पास आया हूँ क्योंकि कल रात आया था तो उसने बोला कि भाई कल आओ आप, तो कल ही पता चलेगा। तो मैं अभी आया हूँ तो देखते हैं क्या बोलता है ये, इसका सॉल्यूशन क्या देता है, या नया टायर डलाना पड़े या इसको रिपेयर करना पड़े। तो लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, नॉलेजेबल होगी। अगर आप लोगों को कुछ इससे बेनिफिट होता है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिए यार। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो यार, कब से बना रखा है मैंने ये चैनल, जल्दी थोड़ा सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो। तो अगले क्लिप वही देखा आपको, ट्यूब डाल के चलेगा इसमें, इसका रिपेयर कुछ नहीं होगा नहीं। अंदर से कल रात में आया तो बोला अंदर से हो जाएगा, वो अंदर से कुछ डाला, बोला कोई 300 रुपये का पंचर है, वो नहीं है, कुछ नहीं होगा इसका। इसमें जितनी हवा भर रही है ना उतना ही ना हवा निकल रही है इसकी। और ये चला कैसे भाई, ये चलने का सारा निशाना था, चलने की वजह से मतलब पंचर हो गया, उसके बाद चला तो उसकी वजह से ऐसा हो गया। और क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये तो क्या पा रहा है, तो ट्यूब ही चलेगा और कुछ नहीं होगा। वो तो मेरे को बोला था रात में क्या उसका हो जाएगा बराबर, हम भी तो बता रहे हैं कि यही होगा। हाँ इतना टायर, ये तो फिर और निकल देगा ट्यूब वाला, फिर कैसा होगा ट्यूब का, मतलब तो फिर चलेगा टायर अच्छा खासा, फिर कोई पंचर हो तो ट्यूब भी खराब होगा ना, ट्यूब का भी इसका भी इसका नहीं लगेगा। क्या हुआ, अरे नहीं ये काम करिए, बेकार बना, क्या कर रहा है, टूक का फोटो क्लीन कर दे रहा हूँ क्लीन। क्लीन कर रहे हैं जहाँ जहाँ पंचर था वो, पंचर तो नहीं होगा ना, ये ट्यूब है हमारे साइज वाइज सब सेम है, सेम सेम है। अच्छा इसमें अगर पंचर भी हुआ तो मतलब ये ट्यूब करना पड़ेगा ना पहले, हाँ ट्यूब में लगेगा, ये टायर में नहीं होगा। तो आप लोगों ने देख लिया है कि कैसे ट्यूब डलाया ये वो, लेकिन ये जो चीज़ हुई है ना पंचर, इसमें एक चीज़ समझ में आई है कि ट्यूब में और ट्यूबलेस में तो फ़र्क है, लेकिन ट्यूबलेस में भी अगर पंचर होता है तो उसको ज़्यादा दूर तक ना चला। मेरा तो बहुत पहले पंचर हो गया था तो इस वजह से मैं थोड़ा दूर तक ले आया क्योंकि आसपास कुछ था नहीं, तो ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा रन होने की वजह से वो, आपने लाइन देखी होगी जली हुई, वही बता रहा था मुझे कि वो ज़्यादा पंचर हो चुका है उसके बाद भी ड्राइव कर रहे हैं तो उसकी वजह से ना टायर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो अब ये सॉल्यूशन निकला गया, वो जो टायर मेरा ज़्यादा पंचर हो गया जिसमें मैंने ट्यूब डाली है उसको मैं यूज़ करूँगा अभी स्टेपनी में, और जो मैंने स्टेपनी लगाई है उसको मैं रेगुलर में यूज़ करूँगा। तो यार मैं सोच रहा था नया टायर लगाऊंगा क्योंकि मैं सोच, मेरा दिल ही नहीं मान रहा था यार ट्यूब डालने के लिए, लेकिन अभी चलाना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं बॉम्बे रन भी करने वाला हूँ यहाँ से दिल्ली टू बॉम्बे, उसका भी व्लॉग आएगा जल्दी, तो अब वही चलाना पड़ेगा बॉम्बे जाके देखते हैं, क्योंकि वो नया ही टायर है, क्योंकि हो गए गाड़ी को 6 साल हो गए। नहीं इसने बोल दिया कि नहीं टायर तो बहुत अच्छा है, क्या अच्छा खासा रन जाएगा भी उसमें, तो और
करीबन से 30-40 किलोमीटर बताया इसने यहाँ पर पंचर वाले ने मुझे, क्या वो चलेगा सर? वो बहुत अच्छा टायर है, तो भी देखते हैं इसको चला के। स्टेपनी टायर भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो कभी यूज़ ही नहीं, इमरजेंसी में यूज़ किया, तो इस वजह से उसने बोल दिया ट्यूबलेस को इसमें यूज़ करिए और ट्यूब वाले को इमरजेंसी में, तो थोड़ा वर्थ हो जाएगा। देखते हैं अगर ये नहीं जमा, क्योंकि चारों टायर ना एक कंपनी के नहीं हो गए, 3 टायर एक कंपनी के हो गए और एक टायर है ना दूसरी कंपनी का हो गया, तो वो दिखने में थोड़ा अजीब लगेगा। इस वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा था कि उसको स्टेपनी में यूज़ करूँ मैं जिसमें पंचर है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो में थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो या सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करो, जिन लोग के टायरों में से पंचर हो रहे हैं साइड में उनको शेयर कर दो वीडियो, ठीक है? चलो मैं बहुत जल्दी आऊँगा एक नई वीडियो और लेके। बाय।